हाय, आई एम सैयद राशिद फ्रॉम अहले वैद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कोटला अलीजा हैदराबाद। हियर आई एम टेकिंग केयर लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर हायर क्लासेस। यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल नेम एस अहले वैद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। वेलकम टू माई वीडियो टू ऑल स्टूडेंट एज वेल एज व्यूवर्स। टूडे जस्ट वी आर कंटिन्यूइंग आवर लाइक क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। एंड आवर टूडेज टॉपिक इज वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ जी, दैट मीन्स वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। And our next topic, I will going to do one problem solve. After that, we are going our topics forward. So hope you know me. उम्मीद करता हूँ आप मेरे को जानते हैं। मेरा नाम सैयद राशिद है। आज यानी कि क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। ओके, लेट अस बिगिन। सो देखिए, वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ जी, जो हमारी टॉपिक है ये है आज की टॉपिक। Throw a stone vertically up. Measure the time required for it to come back to the earth's surface with a stop clock. What happened to its speed when it's moved upward? What is the direction of acceleration? When a stone moves up, the speed decreases. When a stone moves down, the speed increases. So the free fall acceleration is vertically downwards. No matter how you throw object, G is directed vertically down as shown in the फिगर 10। जैसा कि इंग्लिश में आप सुन रहे थे, चलो हिंदी में समझने की बारी है। जस्ट इफ़ यू आर, यहाँ पे आप ठहरे हुए हैं, समझिए, ठीक है। यहाँ से आप एक स्टोन को थ्रो कर दीजिए वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। हमने आपने स्टोन को थ्रो कर दिया वर्टिकली अपवर्ड, तो अब आप स्टॉप क्लॉक लेके, स्टॉप वॉच लेके उसका यानी कि टाइम मेजर करिए, कितना टाइम लग रहा है इसको ग्राउंड को टच होने में, एक स्टोन को, ठीक है, STONE। तो नेक्स्ट आप देखेंगे व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन रहता है उसका डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा या डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। मेन हमारे पास डायरेक्शन दो ही रहेंगे यहाँ पे, लाइट राइट और लेफ्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रेट फ्लोर पे ठहरे हुए प्लेन पे, तो या डायरेक्शन अपवर्ड कंसीडर करेंगे या डाउनवर्ड करेंगे। तो देखिए, आपका दो केसेस होते हैं वहाँ पे, केस 1 केस 2। ओके, केस 1 क्या है, केस 2 क्या है, देखिए। इन केस 1 यू ऑब्जर्व दैट अगर जब स्टोन ऊपर की तरफ जा रहा था, अपवर्ड तरफ जा रहा था, तो उसकी स्पीड क्या हो रही थी, SPEED, स्पीड डिक्रीजेस, DECREASES। सेम केस 2, केस 2 में जब वो डाउनवर्ड आ रहा था, DOWN, ये थोड़ा स्पेलिंग सही लिखेंगे, DOWN WARD, डाउनवर्ड आ रहा था, तो उसकी स्पीड को क्या हो रहा था, SPEED, स्पीड INCREASES इंक्रीजेस हो रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब स्टोन ऊपर की तरफ जा रहा उसकी स्पीड कम हो रही है, जब नीचे की तरफ आके गिर रहा तो स्पीड उसकी बढ़ रही है यानी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या साबित हो रहा है कि जो फ्री फॉल एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ रहता, डाउनवर्ड्स रहता, नो मैटर हाउ द स्टोन इज थ्रो, यानी कि आप मैटर नहीं करता, आप स्ट्रेट फेंके, ऊपर फेंके, नीचे फेंके, कौन से भी डायरेक्शन में आप फेंक लीजिए यानी स्टोन को थ्रो कीजिए, आपको जो फाइनल कंक्लूजन जो है, आपका जो डायरेक्शन होता है जी का डाउनवर्ड ही होता है। देन एक्टिविटी नंबर 4 कंप्लीटेड। एक्टिविटी नंबर 4 हमारी हो गई, सिंपल है। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी वी विल गोइंग टू सॉल्व वन प्रॉब्लम। इस एक्टिविटी नंबर 4 के बेस पे हम एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको उसका क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों ही बोर्ड पे नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन आप देख सकते, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, वॉट इज द डिस्टेंस कवर इन इट लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन। मतलब क्या है इसका, एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कर रहे हैं, हम वर्टिकली अप फेंक रहे हैं, तो उसका जो डिस्टेंस है जब उन्हें यानी कि लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन, यानी कि जो ऊपर का जो मोशन था उसका, उसके लास्ट सेकेंड में बॉडी कहाँ पे थी वो ऑब्जेक्ट। तो देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट इन इट्स लास्ट सेकेंड of it upward motion is equal to the distance covered in the first second of its downward motion। मतलब क्या है इसका, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो लास्ट सेकेंड है ऊपर का, जो जो हाइएस्ट पीक है उसका, मैक्सिमम हाइट का जो लास्ट सेकेंड है, वो हमारा फर्स्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड रहता, जो नीचे गिर रहा उसका फर्स्ट सेकेंड रहता। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनता, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT2। क्योंकि जब बॉडी फेंका गया तो इनिशियली जो उसकी स्पीड रहती वो जीरो रहती, तो u जीरो है आपका, t 1 सेकेंड है, a 10 मीटर्स, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड लेने के लिए बताया गया।
तो वही हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो अब देखिए, अब s इज इक्वल टू, क्योंकि ये u जीरो है तो ये ut टी कम्प्लीट टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ 1/2 अपनी जगह पे है। a की प्लेस पे हमको क्या लेना है, a इज नथिंग बट यहाँ g रहता है, तो a बोल तो यहाँ पे आप g भी लिख ले सकते, a और g एक ही रहता, तो ये 10 होगा इंटू वन स्क्वायर। वन स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टी स्क्वायर है यहाँ पे फॉर्मूले में, तो वन स्क्वायर ले रहे हैं। तो अब हमारे पास बच गया कि s इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू वन, मंजा क्या होता, वन स्क्वायर इज नथिंग बट ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, वन इंटू वन होता विच इज इक्वल टू वन इटसेल्फ, तो ये वन हो गया, टू वन जा टू फाइव जा, तो s इज इक्वल टू 5 meters, आपको मीटर्स लिखना जरूरी है। तो आपका आंसर सिंपल क्या हो गया, s इज इक्वल टू m। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, बहुत आसान है, समझ गया आपका। और एक्टिविटी नंबर 4 बोल के भी आप थोड़ा सा रफ कर सकते। अब नेक्स्ट हम करेंगे एक एक्टिविटी जिसका नाम है कैन वी मेजर द वेट ऑफ एन फ्री फॉल, यानी कि कोई फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है उसका वेट हम मेजर कर सकते क्या। होप यू हैव कॉपी डाउन द प्रॉब्लम, नाउ वी विल गोइंग टू कम अक्रॉस विथ डिफरेंट टॉपिक्स विथ अस, हम अलग अलग टॉपिक्स की तरफ हम जाएंगे जो हमारे पास है। साथ ही साथ एज ऑफ नाउ आई विल गोइंग टू पुट फ्यू प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऑन योर स्क्रीन, यू नीड टू कॉपी डाउन दिस एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स एज वेल एज यू हैव टू प्रैक्टिस मोर देन वन टाइम, एंड ऑटोमेटिकली यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स, बिकॉज दिस प्रॉब्लम्स इज प्योरली बेस्ड ऑन अवर ग्रेविटेशन एंड द प्रॉब्लम्स विच वी हैव ऑलरेडी डन इन अवर लाइक प्रीवियस लेसन्स मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूँ जो मैंने लगाया था ये जो इधर का प्रॉब्लम था वो आप कॉपी कर लिए होंगे। इसके साथ साथ कुछ और मैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करिए एक से ज़्यादा मर्तबा, आपको खुद समझने आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे बेस्ड करते हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर्स के ऊपर, जैसा मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन है, साथ ही साथ ग्रेविटेशन का भी इस प्रॉब्लम्स में रोल रहेगा। नाउ द टाइम टू लुक एट द स्क्रीन वंस द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑन योर स्क्रीन। Hope you have saw the problem. Make sure copy down these problems and try to work out in that problems. आप ये copy करके इस पर काम करिए, ठीक है। हमारी next topic है can we measure the weight of free fall body? इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ है मैं सीधा free fall करा रहा हूँ, ये violet है, ये freely fall हो रही है, ठीक है, जैसा कि अब ये freely fall हो रही, तो क्या मैं इसका weight यानी कि weight measure कर सकता हूँ क्या। So Let us begin. अब देखेंगे क्या होता है। Take a spring balance and suspend it to the ceiling and put some weight to it. Note the reading of the balance. Now drop the spring balance with load from certain height to free fall. Carefully observe the change in the position of the indicator on the spring balance scale while it is in free fall. देखिए यहाँ पे दो केसेस करना है, अगेन केस वन केस टू। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंग बैलेंस ले लेंगे, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस ये कुछ ऐसा बैलेंस रहता है जिसमें एक हुक जैसा रहता है यहाँ पे, और कुछ वेट हम इसको यहाँ पे लटका देंगे डब्ल्यू ई। ये फर्स्ट केस में सीलिंग से लटके हुआ रहेगा वो, ठीक है। केस टू में हम क्या करेंगे, इसी स्प्रिंग बैलेंस को क्या करेंगे, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ना इधर का कट कर देंगे। कट करते ये क्या हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल फ्रीली गिरता रहेगा। जब फ्री फॉल हो रहा, अब दो खुद रीडिंग्स नोट कर लेंगे आप, जो भी रीडिंग्स थे इसके, टू टाइम्स यू नीड टू नोट। पहले केस में जो नोट यानी कि रीडिंग था वो, सेकंड केस में जो रीडिंग था वो रीडिंग नोट करेंगे। अब आंसर कैसा लेंगे अपन, दिस माइनस दिस करे तो फ्री फॉल का वेट आ जाता अपने को, सिंपल है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द सिंपल एंड लाइक वेरी स्मॉल एक्टिविटी विद अस, लाइक कैन वी मेजर द वेट ऑफ फ्री फॉल। होप यू अंडरस्टूड, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। मेक श्योर कीप योर रीडर विथ यू वाइल लुकिंग दिस ऑन योर यूट्यूब, जब भी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा लेक्चर, अपनी रीडर साथ रखिए ताकि आपको और बहुत अच्छा समझने आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी ऑब्जर्विंग चेंज ड्यूरिंग फ्री फॉल, यानी कि कोई भी चीज़ अगर फ्रीली गिर जा रही है तो ऑब्जर्व करेंगे उसके अंदर चेंजेस क्या रहते। तो देखिए सुनिए, टेक अ ट्रांसपेरेंट ट्रे एंड मेक होल्स ऑन ऑपोजिट साइड, टेक टू और थ्री रबर बैंड्स एंड टाई देम टाइटली क्लोज टू ईच अदर बिटवीन द होल्स। नाउ प्लेस अ स्टोन ऑन अ बैंड एज शोन इन द फिगर 15A एंड 15B। देखिए एक ट्रांसपेरेंट ऑफ वेजिल ले लीजिए, ठीक है,
एक ट्रांसपेरेंट वेजिल ले लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये दो दो साइड से होल डाल दीजिए, यहाँ पे एक यहाँ पे एक। डालने के बाद एक रबर बैंड इसको टाइट कर दीजिए, जैसा कि फर्स्ट कुछ इस तरीके से टाइट कीजिए जैसा आपको फिगर 15A में बता रहा। सेकेंड सेम आपका जो रहता फ्री फॉल के खुद जो चेंजेस होता, ये एक सेम अपन रबर बैंड ही लेके यही ट्रे था, कुछ इस तरीके से हमने इसको कीप यानी रखा था। तो आप देख सकते, तो जो डू द बैंड बेंड्स नाउ ड्रॉप द ट्रे विथ स्टोन नाउ व्हाट हैपन। तो देखिए पहले केस में क्या होता, हम स्टोन रखेंगे इसके बाद, इसमें भी दो केसेस बन रहे हैं। जब स्टोन आप रखते हैं ना तो वो कुछ इस तरीके से आपको स्टोन का शेप बनेगा, ठीक है, ये जो रबर बैंड है कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगा। सेकेंड केस में 15B डायग्राम में आप क्या करोगे, सेम स्टोन को इसके ऊपर रखोगे। तो जब आप स्टोन को ऊपर रखोगे फ्री फॉल यानी केस वन में क्या है, ये स्टेबल है STABLE। केस टू में आप क्या कर रहे हैं, पूरे अपैरेटर को फ्री फॉल कर दे रहे हैं यानी कि एक सर्टेन हाइट से छोड़ दे रहे हैं। तो आप ऑब्जर्व करोगे केस वन में जो स्टोन है रबर बैंड को थोड़ा सा नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, वेरस केस टू में आपको स्ट्रेट रहेगा आपका रबर बैंड। इसका भी थ्योरी पार्ट थोड़ा सा स्मॉल है, मैं रीड करके समझा देता हूँ आपको। वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट इन फ्री फॉल। इन स्प्रिंग मास एक्टिविटी द रीडिंग बिकम जीरो। इन जंपिंग द मैन फील्स वेटलेसनेस। इन एक्टिविटी सिक्स द बैंड आर स्ट्रेट, नो स्ट्रेच अकर्स इन द रबर बैंड। वी ट्रीटेड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी अपॉन इट व्हेन इन इक्विलिब्रियम ऑन फॉर्म सर्फेसेस। तो देखिए अब जो फ्री फॉल है, फ्री फॉल का फिर से मैं रिवाइज करा दूं, केस वन में आपको सर्टेन रीडिंग बता रहा था, केस टू में आपको बिल्कुल जीरो बता रहा था। क्यों जीरो बता रहा था, क्योंकि फ्री फॉल में कुछ भी इसके ऊपर यानी वेट एक्ट नहीं कर रहा था। सेम केस इसमें भी, केस वन में आपको थोड़ा सा रबर बैंड को पुश यानी कि नीचे पुश डाउनवर्ड किया, सेकेंड उसमें स्ट्रेट जैसा है वैसा है रबर बैंड। तो इसमें भी आप देख सकते हैं जब भी कोई मैंस रहते या फिर वीमेंस रहते जो ऊपर से जंप करते स्विमिंग पूल में, तो अपनी बॉडी को लोग थोड़ा सा अपने वो कर फोल्ड कर लेते। क्यों फोल्ड करते, कि उन्होंने अपने आप को वेटलेसनेस रखते हैं, उसी की वजह से फोल्ड करते। इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है हमारा सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी बैलेंसिंग द स्पोक एंड फोर्क। ये जो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी कहते किसको, इसका पहले डेफिनेशन मैं दे देता हूँ, उसके बाद ये एक्टिविटी बता दूंगा। सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी कहते किसे है, हमारा जो बॉडी है कौन सी भी चीज़ का जो बॉडी है उसका मास एक ही जगह पर सेंट्रल में एक्ट करता, तो उसको हम सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी को लेके हमारे पास प्लेंटी ऑफ एक्टिविटीज़ है हमारे पास, हम हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लेकिन अभी आप एक डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में आपको क्या दिख रहा, मैं डायग्राम इतने स्पेस पे ही लगा रहा हूँ। बैलेंसिंग द स्पोक एंड फोक, यहाँ पे सिर्फ बैलेंस कैसा कर रही, एक यानी कि स्पून और फोक को विद द हेल्प ऑफ माच स्टिक, खाली माच स्टिक की मदद से उन्हों बैलेंस कर रहे हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते। अभी मैं ये डायग्राम हटा रहा हूँ, हट जाओ डायग्राम। तो ये डायग्राम तो यही है आपका एक्टिविटी नंबर 7। तो आज के लिए आई थिंक बस इतना ही, वी विल गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन। हमारा जो चैप्टर है नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में मेनली आपको प्रॉब्लमों पे ज़्यादा काम करना है। मैंने एक प्रॉब्लम कराया था आपके बोर्ड पे और कुछ स्क्रीन पे प्रॉब्लम्स लगाया था, वो अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, मेंटेन करिए नोट्स, मेंटेन नोट्स। ओके, टेक केयर। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स टीचर एंड लेक्चरर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मेंटेन नोट्स, टेक केयर। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स टीचर एंड लेक्चरर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल नेम एज अहलेबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। थैंक यू।